भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के फर्जी लेन देन मामले में आरोपी 48 वर्षीय नीरव मोदी दुनिया की डायमंड कैपिटल कहे जाने वाले बेल्जियम के एंटवर्प शहर के मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से संबंध रखते हैं। वे फायर स्टार डायमंड के संस्थापक हैं। उनके ग्राहकों में दुनिया के जाने माने लोग शामिल हैं, जिसमें केंट विंसलेट, रोजी हटिंगटन, वाटली, नाओमी वाट्स, कोको रोसा, लीजा हेडन और ऐश्वर्या राय जैसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। नीरो के डिजाइनर ज्वेलरी बुटीक लंदन, न्यूयॉर्क, लास वेगास, हवाई, सिंगापुर, बीजिंग और मकाऊ में हैं। भारत में उनके स्टोर दिल्ली और मुंबई में हैं। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में पले बढ़े नीरो की दिलचस्पी आर्ट और डिजाइन में थी और वो यूरोप के अलग अलग म्यूजियम में आते जाते थे। इसके बाद भारत में बसने और डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस की बारीकियों को सीखने के बाद साल 1999 में उन्होंने फायर स्टार की नींव रखी। साल 2010 में वो क्रिस्टी और साथवी के कैटलॉग पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय ज्वेलर बने। साल 2013 में वह फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियन बिलियनियर की सूची में शामिल हुए और तब से अपनी जगह बनाए हुए हैं। तीसरी पीढ़ी के इस युवा कारोबारी ने एक दोस्त के कहने पर पहली ज्वेलरी डिजाइन की। दोस्त की खुशी देखकर उन्हें इसी काम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। इस दोस्त के कहने पर उन्होंने जो पहली इयररिंग्स डिजाइन की थी उसमें जड़े हीरों की तलाश में वो कई शहरों में भटके और उनकी खोज मास्को में पूरी हुई। उन हीरों को देखकर उनके दोस्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहीं से उनके डिजाइनर बनने की कहानी शुरू हुई। आज वे उस एकमात्र भारतीय ज्वेलरी ब्रांड के मालिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। उनकी ओर से डिजाइन किया गया गोलकोंडा नेकलेस वर्ष 2010 में हुई नीलामी में 16.29 करोड़ में बिका था, जबकि वर्ष 2014 में एक नेकलेस 50 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। वह फोर्ब्स की भारतीय धन कुबेरों की वर्ष 2017 की सूची में 84वें नंबर पे थे। उनकी माली हैसियत 149 अरब रुपए की है।